हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन जेट। आज बच्चों हम लोग क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, त्रिकोणमिति। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें अगर वीडियोस पसंद आते हैं, और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी ज़रूर करें ताकि मैं इसी तरीके से वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँ। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। तो बेसिकली बच्चों क्या है, ट्रिग्नोमेट्री हमारी दो वर्ड्स से मिलकर बनी है, ट्रिग्नोन और मेट्रॉन। और ये दोनों वर्ड क्या हैं, ग्रीक वर्ड्स हैं, ठीक है। ट्रिग्नोन मीन्स हमारा होता है ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं त्रिभुज, ठीक। और मेट्रॉन मीन्स होता है मेजरमेंट, जिसको बोलते हैं नापना। तो बेसिकली ट्रायंगल के अंदर हमारी क्या दो चीज़ें होती हैं जिसे हम नाप सकते हैं, एक तो हमारा एंगल होता है, दूसरी हमारी साइड्स होती है, यानी एंगल एंड साइड्स। तो एंगल और साइड्स के बीच में क्या होता है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो है ट्रिग्नोमेट्री बताता है, ठीक है। तो अब ये हम लोग देख लेते हैं कि इसके फाउंडर कौन थे। तो इसके फाउंडर थे हिपार्कस, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है, त्रिकोणमिति जो है, हमारी मैथमेटिक्स की ब्रांच है जो साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप को डील करता है, ठीक है, यानी इनके बीच में रिलेशनशिप को बताता है। तो बेसिकली सब लोग ये बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है केवल राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री सभी भी ट्रायंगल्स के लिए एप्लीकेबल हैं। जब हम लोग 11th 12th क्लास देखेंगे तो उसमें अदर ट्रायंगल लाइक एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, सब में भी हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस का यूज़ देखेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेबल फॉर ऑल ट्रायंगल्स, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में भी है, राइट एंगल ट्रायंगल में भी है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में भी है, लेकिन हमारी 10th क्लास में हम लोग क्यों राइट एंगल ट्रायंगल के लिए डिस्कस करेंगे। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिस ट्रायंगल के सभी एंगल्स क्या हों, 90 से लेस हों, छोटे हों, यानी 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक जो भी एंगल्स होंगे वो एक्यूट एंगल होंगे, ठीक। राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें 1 एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की हम बात करते हैं, तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें 1 एंगल क्या हो, 90 से बड़ी हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। यानी इस तरीके से हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ क्या होता है ये भी हम लोग देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिकली यूज़ हम क्या करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन में किसी बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, कितने डिग्री से पे उसकी झुकाव होनी चाहिए, दो प्लेनेट के बीच में डिस्टेंस निकालना हो, तो इन सब एप्लीकेशन के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री। अब सपोज कर लिया हमें कुतुब मीनार की हाइट निकालनी है, तो भी हम क्या करेंगे, वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे। बच्चों जो हम लोग ट्रायंगल देख ही रहे हैं, तो एक छोटा सा कंसेप्ट ट्रायंगल का देख लेते हैं। तो बच्चों सपोज कर लिया एक ट्रायंगल हमने ABC ये बनाया, ठीक है, ABC ट्रायंगल है। तो जो इनके एंगल्स होते हैं उन्हीं वो क्या होते हैं, कैपिटल लेटर में होते हैं। तो एंगल A, एंगल B, एंगल C, इसमें हम क्या होगा, ये एंगल्स को डिनोट करेंगे, ठीक है। और एंगल की जो अपोजिट साइड होती है उसको हम स्मॉल लेटर जनरली हम क्या करते हैं, सेम लेटर से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। और एंगल बी जो है इसके अपोजिट साइड स्मॉल बी से डिनोट करेंगे, और एंगल सी की अपोजिट साइड स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। तो ये हम लोग जो है स्टैंडर्ड तरीके से जनरली हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब ये एंगल, ये साइड ए अगर है तो ये ए साइड क्या है, बी सी है, और ये स्मॉल बी क्या है, ए सी है, और स्मॉल और ये स्मॉल सी क्या है, साइड किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए बी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये हर एक ट्रायंगल के लिए हम ये कंसेप्ट जो है फॉलो करते हैं। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री रेशोस को समझने से पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रायंगल के एंगल और साइड में रिलेशंस कैसे होते हैं, कैसे उनके बीच में रिलेशनशिप डेवलप होता है, तो इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो सपोज कर लिया कि मैं एक लाइन लेता हूँ ओ ए, ठीक, एक मैंने लाइन लिया ओ ए, ओ हमारा क्या हो जाएगा, इनिशियल, और ये हो जाएगा
फाइनल या एंड पॉइंट। ठीक, अब हमने क्या किया, ओ को फिक्स करते हुए ए को हमने क्या किया, रोटेट किया। ठीक है, तो ए को अगर हम रोटेट करते हैं तो ए अब क्या कहीं यहाँ पोजीशन पे सपोज कर लिया आ गया, ये हमारा ए हो गया। ठीक है, तो ये बच्चों इसके बीच में जो ये थीटा सपोज कर लिया, एंगल बन गया। तो हमने देखा इससे इस पर एक हमने परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री ड्रॉ किया, इसका नाम हमने दे दिया बी। ठीक है, अब यहाँ आप देखो ओ ए पोजीशन, ओ ए थी इसकी इनिशियल, बाद में ये ओ ए यहाँ हो गई इसकी पोजीशन। ठीक, अब हम सपोज करते हैं इसको ओ ए को और अधिक हम इसको रोटेट करते हैं, तो ओ ए को हमने क्या किया, और ज़्यादा इसको रोटेट किया, इसके फाइनल पॉइंट को और ज़्यादा रोटेट किया, सपोज कर लिया ए पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब हमने देखा ये एंगल थीटा ये हो गए, तो जितने ज़्यादा हमने रोटेट किया थीटा यहाँ पे छोटी थी, ये वैल्यू बड़ी हो गई। अब इस पे हमने एक परपेंडिकुलर बी डाला, ड्रॉ किया। अब हमने देखा बच्चों कि यहाँ पे थीटा जो है छोटी है, यहाँ पे थीटा बड़ी है, तो थीटा के बढ़ने से, थीटा के बढ़ने से ये हमारी जो है परपेंडिकुलर यानी ये लेंथ बढ़ रही है। ठीक, और अगर यहाँ देखा जाए तो ये लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो थीटा के बढ़ने से क्या हो रहा है, ये लेंथ हमारी जो है ये भी बढ़ रही है, और ये क्या हो रही है, ये लेंथ कम हो रही है। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है बच्चों कि थीटा और साइड के बीच में एक गहरा संबंध, एक रिलेशन है। थीटा बढ़ने से हाइट बढ़ रही है, बेस कम हो रहा है, यानी थीटा का इन सभी साइडों के साथ एक रिलेशन है जिसको ट्रिग्नोमेट्री रेशोस क्या है, रिप्रेजेंट करता है। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री रेशोस को देखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले राइट एंगल ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, जिसमें हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, और उसके बाद इसमें परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेन्यूज क्या होते हैं, थीटा से कैसे इनका रिलेशन होता है, तो ये सब हम देखते हैं। तो हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बना लिया एबीसी, एबीसी हमारा क्या है, ट्रायंगल हो गया। ठीक, ट्रायंगल हो गया, इसमें एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, तभी हम इसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। और इसमें सपोज कर लिया हमने इस एंगल को थीटा ले लिया, थीटा क्या होता है बच्चों, एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल होता है। जैसे हम हमको एरिया रिप्रेजेंट करना होता है तो ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी को रिप्रेजेंट करना होता है तो ई से करते हैं, उसी तरीके से एंगल को रिप्रेजेंट करना होता है तो थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना बच्चों, जो ये 90 डिग्री जो हमारा साइड जो दोनों बनाती हैं उसमें एक परपेंडिकुलर होगा, एक बेस होगा, कभी ये बेस बन सकता है, कभी ये परपेंडिकुलर, कभी ये बेस, कभी ये परपेंडिकुलर, और 90 के जस्ट सामने की साइड जो होती है वो फिक्स होती है, मीन्स हाइपोटेन्यूज ही होती है। तो सपोज कर लिया अगर ये थीटा एंगल है, तो थीटा के जस्ट सामने वाला जो साइड होता है ये हमारा होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और जिसके साथ थीटा एंगल बनाता है उसको बोलते हैं बेस, और 90 के जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज कर लिया बच्चों इसी को हम थीटा हमारा जो है ये एबीसी ट्रायंगल है, ये राइट एंगल एट ये, और थीटा लेट अस सपोज ये हो जाता है, तो बच्चों हमने क्या देखा था, थीटा के जस्ट ये सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो थीटा के सामने कौन सी साइड पड़ रही है, ये पड़ रही है, तो यानी ये परपेंडिकुलर हो गई, और हाइपोटेन्यूज तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, इस तरीके से एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जब एक परपेंडिकुलर हो गया तो बेस हमारा ये हो जाएगा। तो ये कंफ्यूज मत होना बच्चों, हमेशा याद रखना थीटा के सामने की हमेशा साइड परपेंडिकुलर ही होगी, चाहे वो थीटा यहाँ पे हो। आप ये मत देखना कि ये हॉरिजेंटल है तो बेस हमेशा यही होगा, नो, दिस इज परपेंडिकुलर अगर ये थीटा है इसके सामने ही है। ठीक है, ये बेस हो गई, ये हमारी हाइपोटेन्यूज हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं बच्चों इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम कैसे यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चों, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी सी, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में
हाइपोट का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। इसी को हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यानी हमारा हाइपोटेन्यूज क्या हो गया इस ट्रायंगल के हिसाब से, यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये हमारा इस तरीके से ये होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। एंगल और साइड के बीच में रिलेशनशिप को हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशोज रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या क्या हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशोज होते हैं, एक तो हमारा होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। बच्चों अब हम राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात कर रहे हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल हमने ये हमने बना लिया ए बी सी, ये हमारा थीटा हो गया। तो थीटा अगर ये होता है तो ये हमारा परपेंडिकुलर, और ये हमारा बेस हो गया, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है बच्चों, जैसे हमने बताया था कि थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर, दूसरी साइड बेस, और 90 के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज। तो ये ट्रिग्नोमेट्री क्या होते हैं, रेशोज होते हैं। अब बच्चों एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, अगर ये साइन कॉस टैन कॉट से कोसेक इस तरीके से लिखा है तो इसका कोई भी मतलब मीनिंग नहीं है जब तक इसके आगे एंगल ना लिखा हो। जैसे अब क्या लिखा हुआ है, श्री लिखा हुआ है, तो श्री का मतलब क्या, श्री के आगे नेम कंपलसरी है, श्री राम, श्री मोहन, श्री समथिंग जो भी है। इसी तरीके से अगर साइन कॉस टैन कोसेक इस तरीके से लिखा है तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसके आगे जब तक हम इसके आगे थीटा नहीं यूज़ करते हैं इसका कोई मतलब नहीं है। तो अब इस तरीके से ये इन्हीं को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। तो ट्रिग्नोमेट्री ये हमारे क्या करते हैं, जो साइड्स होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के उनके बीच में रिलेशनशिप बनाते हैं। तो इसको हम याद करने का हमारे पास एक तरीका है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम लोग हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी देख लेते हैं, बाकी तो क्वेश्चंस जो होते हैं इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सबके लिए क्या होते हैं, सेम ही होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो ये हमारा थीटा हो गया, तो थीटा के सामने इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर को लंब। ये हमारा हो गया आधार, ठीक है, और ये हमारा हो गया कर्ण। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। तो इसको याद करने का जो हमारा तरीका होता है, एल ए एल लाल, उसके बाद के ए लाल काका, क्या हो जाएगा लाल काका। अब यहां पे इनके बीच में ये हमारा हो गया लंब बटे कर्ण, तो इसको बोलते हैं हम बच्चों साइन थीटा। और उसके बाद आधार बटे कर्ण, ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा, और लंब बटे आधार हमारा हो जाएगा ये टैन थीटा। ठीक है, और इसी का अपोजिट हो जाएगा कर्ण बटे लंब, तो ये बन जाएगा हमारा कोसेक थीटा, और कर्ण बटे आधार हमारा बन जाएगा सेक थीटा, और आधार बटे लंब बन जाएगा हमारा कॉट थीटा। तो इसको सिंपली हम लोग लिख सकते हैं कैसे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक, उसके बाद कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। ठीक, टैन थीटा लंब बटे आधार, और साइन थीटा और कोसेक क्या होते हैं, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। तो यहाँ पे अगर कोसेक थीटा हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक, और यहाँ पे अगर हम इसको सेक थीटा लिखते हैं, इसका क्या होता है रेसिप्रोकल सेक होता है। रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, वन बाई कर दें अगर, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। देखिए न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन गया, ये बन गया। उसके बाद कॉट थीटा इसका होता है ये, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसको इंग्लिश मीडियम के बच्चे कैसे देखेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, ये जो हमारे टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। तो इसका याद करने का तरीका क्या है, पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, एच से हर, एस से हर बोले, एस से सोना,
सी से चांदी, टी से तौले। तो ये हमारा हो गया पी अपॉन एच, एस मीन्स साइन थीटा। तो पी अपॉन एच हो गया हमारा साइन थीटा। बी अपॉन एच हमारा हो गया कॉस थीटा, और पी अपॉन बी हमारा हो गया टेन थीटा, टी से टेन थीटा। तो तरीका क्या है याद करने का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी टोले। तो एस से साइन थीटा, सी से कॉस थीटा, टी से टेन थीटा। और बच्चों आप लोगों को हमने बताया था कि साइन का रिसिप्रोकल यानी एच अपॉन पी हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और एच अपॉन बी हो जाएगा हमारा सेक थीटा, और बी अपॉन पी हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से साइन कॉस टेन के क्या होते हैं, साइन का होता है रिसिप्रोकल कोसेक, रिसिप्रोकल मतलब उल्टा, और कॉस का होता है सेक, और जो टेन का होता है कॉट। तो मेनली हम लोग याद क्या करते हैं बच्चों, साइन कॉस और टेन, और उसके रेसिप्रोकल क्या होते हैं, उसके उल्टे हो जाएंगे। जो अगर पी अपॉन एच होगा तो इसका रेसिप्रोकल एच अपॉन पी कोसेक बन जाएगा। तो इस तरीके से होता है। अब इसको साइड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, साइन थीटा क्या हो जाएगा पी अपॉन एच। हमारा पी क्या है बच्चों यहाँ पे ए बी, एच हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, कॉस क्या हो जाएगा बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा क्या है बी सी, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा ए सी। क्लियर है। टेन थीटा क्या हो जाएगा, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या आप इसी से देख लो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है ए बी है, बेस क्या है बी सी है। कॉट क्या होगा, कॉट को हमने बताया है कॉट टेन का होता है उल्टा, तो ये हो जाएगा बी अपॉन पी, यहाँ पे बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा। क्या होता है रेसिप्रोकल मीन्स जो यहाँ पे डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक, सिक सिक किसका हमने बताया था, सिक कॉस का बताया था, तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी। ठीक, और ये हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, और कोसेक किसका होता है, साइन का होता है, तो साइन क्या है पी अपॉन एच है, तो कोसेक क्या हो जाएगा एच अपॉन पी हो जाएगा। ये ए बी अपॉन ए सी है, तो ये ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ट्रिग्नोमेट्री रेशोस होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले हैं, उनको आज हम लोग प्रूव भी करेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी के करेंगे। हम लोग आर डी शर्मा और भी जितने भी हैं, आर एस अग्रवाल, जितने भी क्वेश्चंस हैं मिसलिनियस, सभी को हम लोग जो है इसमें कंप्लीट करेंगे। तो हम जो मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों, उससे बाहर क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। तो आप लोग सीरियसली जो है पढ़ाई करें, जो पूरी तरह जो है फ्री है यूट्यूब पर, तो आप लोग इसका लाभ उठाएं। तो हम लोग देखते हैं बच्चों, जो हमने पिछला बताया था उसको कुछ रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा था कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशोज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशोज मीन्स क्या होते हैं बच्चों, कि हमारे जो एंगल हैं उनका साइड्स के साथ रिलेशनशिप। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशोज कहे जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ही जो है साइड्स के बीच में रिलेशनशिप बनाया जाता है। मीन्स एंगल और साइड के बीच में रिलेशनशिप इन्हीं साइन, कॉस और टेन के थ्रू ही बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो कुछ और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले होते हैं जो इन्हीं ट्रिग्नोमेट्री रेशोस को यूज करके बनाए जाते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं उस फार्मूलों को। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। ठीक है, और एक क्या होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक और क्या होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और एक ये भी होता है बच्चों टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू किसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो ये सब जो है ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं, इन सब को हम लोग क्या करेंगे अपने राइट एंगल ट्रायंगल में प्रूव करके देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लें बच्चों। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट भी ज़रूर करें कि क्या क्या मुझे सुधार करने की ज़रूरत है, या समझ में नहीं आ रहा है, कहीं डाउट आपको है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कर दें। और मेरा नंबर दिया हुआ, उस पर आप व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं।
ताकि मैं जो है और इस तरीके से जो है वीडियोस लेकर आता रहूं। तो विदाउट कमेंट आप लोगों के मुझे भी थोड़ा लगेगा कि आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो आप लोग कमेंट भी ज़रूर करें। तो ये आप नोट कर लें। अब इसमें एक 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 करके हम क्या करेंगे, इसकी प्रूविंग करेंगे, ठीक है। देखते हैं अब हम लोग, तो इसमें प्रूविंग देखते हैं। तो पहला सबसे ईजी हम लोग देख लेते हैं कि हमने बताया था टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये हमने प्रूविंग किया। तो इसको प्रूव करने इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड पे पड़ता है इसलिए इसको लेफ्ट हैंड साइड। हमारी ये राइट साइड में पड़ता है, इसको ये क्या होता है इक्वल टू, मतलब एक तरीके से जहाँ भी इक्वल टू लग जाता है ये इक्वेशन बन जाता है, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो बच्चों क्या करते हैं हम इसमें प्रूव करके देखते हैं। तो पहले हमने क्या किया, RHS ले लिया, RHS ले लिया। तो RHS में हमने क्या किया, साइन थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा होता है P अपॉन एच, और कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है हमारा B अपॉन एच, ठीक। हमें निकालना क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमने ये किया इज इक्वल टू क्या हो गया, P अपॉन एच डिवाइड बाई B अपॉन एच, ठीक। अब ये क्या होता है बच्चों, जब डिवाइड का साइन क्या होता है इनटू में होता है, तो इसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है। तो P अपॉन एच इनटू ये एच क्या है, एच न्यूमिनेटर बन जाएगा, एच अपॉन बी, एच से एच कैंसिल हो गया, हमारी आगे वैल्यू पी अपॉन बी। बच्चों अब हम देखेंगे पी अपॉन बी क्या होता है, पी अपॉन बी टेन थीटा होता है। तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, यही हमारा क्या है बच्चों, एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड है। तो इस तरीके से हमारा टेन थीटा प्रूव हो गया। कॉट थीटा के लिए भी सेम प्रोसेस होगा, यहाँ पे कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कर देंगे, और यहाँ पे इस तरीके से प्रोसेस कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग घर पे कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा प्रूविंग, नोट कर लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, बेटर रहेगा। अब हम लोग एक प्रूविंग और देखते हैं, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ठीक है बच्चों, ये हम लोग देखते हैं। तो हमने क्या किया, इसी राइट एंगल ट्रायंगल को ले लेते हैं। तो साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, LHS, हम प्रूविंग में LHS ले लिए, LHS में क्या ले लिया हमने बच्चों, यही सेम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हम सॉल्व करके क्या हमको लाना है, वन लाना है, ठीक है। वन से तो हम अब इसमें वन इज इक्वल टू से तो हम नहीं प्रूव कर सकते ना, हम क्या लेंगे, जिधर वैल्यू बड़ी होती है जनरली हम उधर से ही प्रूव करके छोटी वैल्यू को लाते हैं। तो हमने ये लिया। अब साइन थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन एच, और ये क्या है, स्क्वायर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस देखो आप यहाँ से फार्मूले देख लो, पी अपॉन एच है कॉस थीटा बी अपॉन एच, यहाँ पे हमने बी अपॉन एच रख दिया, और ये स्क्वायर है ना, तो ऐसे ही लिख लिया। एक चीज़ और बच्चों ध्यान देना कि अगर ऐसे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा है या साइन थीटा होल स्क्वायर लिखा है, दोनों का मतलब सेम होता है। अब ये मत समझ लेना कि इसका मतलब ये हुआ साइन थीटा स्क्वायर, ये अलग हो जाएगा क्योंकि ये थीटा पे स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा होल स्क्वायर दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो आप लोग कन्फ्यूज मत होना कि होल स्क्वायर दिया हुआ यहाँ साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ, ठीक है, बट साइन थीटा स्क्वायर नहीं होना चाहिए, रॉन्ग हो जाएगा। ये हो गया। अब इस पर हमने क्या किया, इसको एक हमने फार्मूला ये भी पढ़ा है ना बच्चों कि अगर ए अपॉन बी है, इस पर पावर सपोज कर लिया एन है, तो इसको अलग अलग हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, नाइन्थ क्लास में हमने पढ़ा है ना। तो इसमें ऐसे ही हम कर लेते हैं, यहाँ पे पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब हमने देखा बच्चों कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम क्या होगा, दोनों का सेम हो जाएगा, ठीक। अब जो एलसीएम होगा दोनों का सेम, तो यहाँ पे ये भी है सेम है, तो ये केवल डायरेक्ट ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पे, नहीं तो क्या करते, एलसीएम में ये वैल्यू को हम डिवाइड करते, इससे हमने इसको डिवाइड किया वन आया, वन से फिर मल्टीप्लाई, इसको हमने इस पर डिवाइड किया तो यहाँ पे बी स्क्वायर। इतना तो क्लियर होगा बच्चों आप लोगों को। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं
तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो ये बच्चों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, एच स्क्वायर हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया, यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है पाइथागोरस, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ट्रायंगल आप बना लेना इसको प्रूव करने के लिए। तो ये आ गई और इससे एक वैल्यू कैंसिल हो गई, यहाँ पे वन आ गई और ये क्या है वैल्यू, वन आ गई, यानी ये आर एच एस हो गया। तो इस तरीके से हमारा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन प्रूफ हो गया। बच्चों इसको आप लोग नोट कर लें, फिर हम लोग आगे देखेंगे दूसरा फार्मूला भी, नोट कर लीजिए आप लोग, स्क्रीन शॉट भी ले ले रहे हैं आप लोग। अब हम लोग बच्चों ये भी फार्मूला जो है प्रूफ करके देख लेते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, तो हम लोग इसी राइट एंगल ट्रायंगल को यूज कर सकते हैं, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखेंगे इधर क्या, इधर ज़्यादा टर्म है, तो जनरली हम क्या करते हैं जिधर ज़्यादा टर्म होते हैं उसी को लेके प्रूफ करके छोटे टर्म वाले के फॉर्म में हम लाते हैं। ठीक, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा बच्चों, एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या करेंगे, इसी फॉर्म में परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस फॉर्म में हम करेंगे। अब देखो टेन थीटा क्या है बच्चों हमारा, पी अपॉन बी, तो वन प्लस पी अपॉन बी इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों। ठीक, इज इक्वल टू, अब हमारा क्या हो जाएगा, वन प्लस पी स्क्वायर बी स्क्वायर, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना स्क्वायर। अब इसमें देखो अब क्या है, दोनों का एलसीएम वन वन का क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एलसीएम हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों फिर हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसी ट्रायंगल में ले लेंगे, साइड फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी बी सी और ए सी, कोई दिक्कत नहीं है, इस फॉर्म में हम निकलें। तो यहाँ से हम क्या किए, पी स्क्वायर प्लस, देखो आप पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखो या बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर लिखो, मीन्स तो एक ही है, मतलब तो एक ही है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे, एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, क्लियर है। अब देखो बच्चों इसको ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं, एच बाई बी होल स्क्वायर। अब देखो एच बाई बी क्या होता है बच्चों, एच बाई बी हमारा क्या होता है, सेक थीटा। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, यानी हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, सेक स्क्वायर थीटा या सेक थीटा होल स्क्वायर, एक ही बात है। तो इस तरीके से हमारा बच्चों आर एच एस आ गया। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हम, आर एच एस हमारा आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से आप लोग स्क्रीन शॉट ले लो इसको। ठीक है, तो हम लोग अब दूसरा भी प्रूफ कर लेते हैं। अब बच्चों इसको भी हम लोग देख लेते हैं, इसका भी प्रूविंग, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसी ट्रायंगल को आप लोग फिर यूज कर लो अगेन, अब देख लेते हैं हम। फिर हम इसमें क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस, एल एच एस लेंगे, जो बड़ा वाला टर्म है उसी को लेंगे, क्योंकि इसमें वन है इसमें टू टर्म्स हैं। तो ये लेंगे वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो वन प्लस, अब देखो बच्चों कॉट थीटा क्या है यहाँ पे, बी अपॉन पी, तो हमने ले लिया बी अपॉन पी, साइड में भी ले सकते हैं बी सी अपॉन ये ए बी, इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया, इसको हमने होल स्क्वायर कर लिया, क्लियर है इतना। आगे फिर हम क्या करते हैं, वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, दोनों का एलसीएम हमने ले लिया, पी स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर आ जाएगा और प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या है, फिर पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज किया, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपेटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, यहाँ पे हमने रख दिया एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, एच अपॉन पी होल स्क्वायर। अब देखो एच अपॉन पी क्या है, कोसेक, हमने उठा के यहाँ पे कोसेक की वैल्यू रख दी, यानी कोसेक थीटा
होल स्क्वायर कह लो या कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया आर एच एस राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से बच्चों ये भी हमारी प्रूफ हो गई। बच्चों आज हम लोग सुपर हेक्सागन फॉर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज देखेंगे। इस हेक्सागन के थ्रू हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के लगभग सारे आइडेंटिटीज़ को कवर करेंगे, ठीक है। ये 0 से लेके 90 डिग्री तक के पूरे एंगल्स को भी कवर करेगा। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले शुरुआत, ये हमारा क्या होता है स्टार्टिंग और ये हमारा एंडिंग, ये हमेशा आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे सबसे पहले बच्चों हम लोग लिखते हैं टैन थीटा। तो टैन थीटा अगर यहाँ पे लिखा हमने तो टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये सबको क्लियर है बच्चों? तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया साइन थीटा और यहाँ पे लिख दिया हमने कॉस थीटा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे टैन का अपोजिट जो होता है रेसिप्रोकल, हमने यहाँ पे कॉट थीटा लिख दिया, मीन्स टैन से ही रिलेटेड सब कुछ हम लोग फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। और एक चीज़ याद रखना बच्चों, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो राइट साइड के जितने भी होते हैं पोर्शन में सभी सी लेटर वाले आते हैं, तो यहाँ पे आ गया हमारा कोसेक बचा रह गया था, कोसेक थीटा। एक और रिमेनिंग क्या बचा रह गया है, सेक थीटा, क्लियर है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, इनके जो डायगोनल्स हैं इनको ज्वाइन कर देते हैं। तो हमने क्या किया, इसके डायगोनल को ये ज्वाइन कर दिया, इसके डायगोनल को हमने इससे ज्वाइन कर दिया, इसके डायगोनल को हमने इससे ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे बच्चों क्या होता है, यहाँ पे सेंटर को हम हमेशा वन एज्यूम करते हैं, ठीक है, इतना तो आप लोगों को क्लियर होगा। अब इस फार्मूले को जो है हम लोग देखते हैं, तो टेन थीटा हमने क्या किया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हमने टेन थीटा को लिख लिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये पहला फार्मूला बन गया। दूसरा फार्मूला हम लोग कैसे देखेंगे, अब दूसरा क्या है, अब हम लोग शुरुआत करते हैं किससे, टेन से हमने किया, अब साइन से शुरुआत करते हैं। तो साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू अब देखेंगे, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन में कॉट थीटा, ठीक। तो साइन हो गया हमारा, इसके बाद हम कॉस से शुरुआत करेंगे, तो कॉस से शुरुआत करेंगे तो ये आ गया, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा अपॉन में कोसेक थीटा, ठीक। तो कॉस से हो गया, अब हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, कॉट से करेंगे, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा अपॉन में सेक थीटा, ये हमारा हो गया कॉट थीटा। कॉट के बाद अब हम कोसेक से शुरुआत करेंगे, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा अपॉन में टेन थीटा, ठीक है बच्चों। अब सेक थीटा से फिर हम शुरुआत करेंगे, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो इस तरीके से बच्चों ये फार्मूला बन गया। और दूसरी आइडेंटिटी भी देख लेते हैं, ये हमने आपको बता ही दिया है, यहाँ पे टेन थीटा होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इधर आ जाएगा, टेन के अपोजिट कॉट यहाँ आएगा, और सेम साइड में सी वाले आएंगे, तो कोसेक यहाँ आ गया और सेक यहाँ आ गया, यहाँ हमेशा सेंटर पे हम वन लिखते हैं, ठीक है। अब बच्चों अब इस तरीके से हम क्लॉक वाइज चलते हैं, इसमें क्लॉक वाइज, फिर यहाँ पे भी इसी तरीके से क्लॉक वाइज, एक एक हम क्या करते हैं रिमूव छोड़ते जाते हैं, एक इसको छोड़ दिया फिर इसमें क्लॉक वाइज। अब फार्मूला कैसे बनेगा, एक फार्मूला हमारा किस तरीके से बनेगा, तो फार्मूला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये स्क्वायर टाइप में चलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ठीक। अब देखो बच्चों इसमें क्या हो, एक ही फार्मूले में तीन फार्मूले हैं, अगर हमको केवल साइन स्क्वायर थीटा चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर लेके चले गए तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर हमको कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर हम लेके चले गए तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो ये हमारा ये हो गया। सेकेंड पार्ट हम देखते हैं, तो वन वन प्लस प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। इससे भी हमारे तीन फार्मूले बन सकते हैं, अगर वन इज इक्वल टू लिखना है तो कॉट को उधर लिख के चले गए तो क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमें कॉट स्क्वायर अगर थीटा निकालना है तो वन को लेके चले गए उधर
तो क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, वन इधर चला गया, ठीक है। अब दूसरा क्या है, इसमें इसको देख लेते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद ये वन सेंटर पे हमेशा वन रहता है ना, प्लस वन इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसमें भी तीन फार्मूले बन सकते हैं। तो अब अगर को टेन स्क्वायर थीटा निकालना है तो हम कैसे लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब हमें वन इज इक्वल टू कर लेना है तो इधर लेके चले गए हम, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। इस अब हम लोग इसी फार्मूले को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करके देख लेते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से ये और ये, तो ये क्या रिलेशन बनेगा इसमें, अब हम लोग देखते हैं। तो एंटी क्लॉक में बन जाएगा वन कॉस साइन, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, एक तो ये बन गया। दूसरा क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, इस तरीके से। और तीसरा क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, सेक के बाद वन आ रहा है, फिर टेन आ रहा है, इसमें कोसेक के बाद कॉट आ रहा है, वन आ रहा है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो क्लॉकवाइज में यही प्लस में था, और एंटी क्लॉकवाइज में ये क्या हो रहा है, माइनस में हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। आगे फिर देख लेते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं इसको भी। तो इसमें क्या होता है, इसमें रिसिप्रोकल वाले रिलेशन, डायगोनल रिसिप्रोकल। अब देखिए साइन का रिसिप्रोकल कोसिक, तो हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कोसिक थीटा, या कोसिक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा। तो ये डायगोनल क्या होते हैं, रिसिप्रोकल, टेन का कॉट, तो टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा, ये हो गया रेसिप्रोकल। और क्या बचा, कॉस और सेक बचे, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, वन अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा क्या लिखेंगे, उसी का वन अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब लगे हाथों एक और देख लेते हैं, ये साइन है और ये कोसेक है, तो ये अगर डायगोनल पे इधर से इधर और ये इधर से इधर, तो इनका वैल्यू क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन वन भी होता है। इधर से इधर ये हो गया, इधर से इधर हो गया, सॉरी ये इधर हो जाएगा। तो टेन और कॉट, तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू वन, टेन थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू वन। इसी तरीके से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू वन, ये भी एक फार्मूला बन गया। साइन थीटा इधर से इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन, ये भी फार्मूला बन गया। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लें, ठीक है। अब हम लोग इसमें जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का भी कंसेप्ट देख लेते हैं। तो टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री कब कहे जाएंगे, उनका सम क्या हो, 90 डिग्री हो, तो यानी एक 60 अगर होगा तो दूसरा क्या होना चाहिए, 30 डिग्री। तो ये दोनों का सम क्या हो रहा है, 90 हो रहा है, यानी ये आपस में क्या कहे जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कहे जाएंगे। तो साइन का आप लोग याद रखना, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस थीटा और कॉस का साइन थीटा, टेन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉट थीटा और कॉट थीटा का टेन थीटा। इसी तरीके से सेक का होता है, सेक का कोसेक होता है और कोसेक का सेक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। तो हम इसको अगर लिखना चाहें तो साइन का कॉस, टेन का कॉट, सेक का कोसेक। तो अगर हमको लिखना हो साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, कॉस थीटा हो जाएगी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब यहाँ पे लिखना हमको 60 डिग्री की बात करते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, कॉस 60 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी दोनों का सम साइन और कॉस के एंगल का सम क्या होना चाहिए। तो ये क्या हो गई बेसिकली, ये हमारी हो गई साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो जो साइन 30 की वैल्यू होगी वही कॉस 60 की वैल्यू होगी, क्योंकि दोनों का सम क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। तो इसी तरीके से टेन का भी हो जाएगा, कॉट का भी हो जाएगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल
बच्चों आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे। तो किस टाइप के? टाइप वन हम लोग देखते हैं जब ट्रिग्नोमेट्री रेशोस एक दी हो और अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशोस हमें फाइंड आउट करनी हो। तो हम लोग कैसे करेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसके पहले हम लोग फार्मूला देख लेते हैं जो हमने बताया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, कोसेक थीटा एच अपॉन पी, कॉस थीटा बी अपॉन एच, सेक थीटा एच अपॉन बी, टेन थीटा पी अपॉन बी, कॉट थीटा बी अपॉन पी। इसी सब फार्मूले को और पाइथागोरस थ्योरम भी हम इसमें देख लेते हैं, इसी को हम लोग यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसी को हम जो है फार्मूले को भी यूज करेंगे इस ट्रिग्नोमेट्री अदर रेशियोज को फाइंड आउट करने के लिए। तो हम गिवन क्या है बच्चों? गिवन है कि हमारा टेन थीटा यानी टेन ए गिवन है 4/3, यानी ए की बात कर रहा है। तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसमें ए थीटा जो होगा हमारा ए के लिए ए हो गया हमारा, और दूसरा हमारा एंगल बी सी की हमने बना लिया एक एंगल, ठीक। अब टेन ए इज इक्वल टू 4/3 दिया है, तो हमको पता है बच्चों कि टेन ए इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और ए के सामने की ये साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस हो गई और ये हाइपोटेन्यूज हो गई, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर यानी बी सी परपेंडिकुलर हो गई, और हाइपोटेन्यूज क्या है? ये बेस क्या है हमारा? ए बी, बी सी अपॉन ए बी, ये हो गया हमारा टेन ए, ठीक है। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें लेट कर लेंगे बी सी को। बी सी के प्लेस पे क्या दिया हुआ है? ये इज इक्वल टू है 4/3, तो बी सी को हम लेट कर लेंगे 4 के, और ए बी को लेट कर लेंगे हम बच्चों 3 के, ठीक है। के हमने क्या क्यों लिया, के हम क्यों लेते हैं बच्चों? एक चीज़ आपने देखा होगा कि अगर जैसे 12/15 है, ठीक है, तो 12/15 है तो इसको हम क्या करेंगे, 3 से अगर कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगी 4/5। तो इसमें बेसिकली क्या, हमने 3 से इसको कट किया, थ्रो 3 4 जा कितना हो गया 12, और 3 5 जा 15, यानी 4 × 3 जो है इन दोनों में क्या था? कॉमन था, जिसको कट करने के बाद हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म आई है 4/5। तो ये क्या है, अगर ये 4/3 आती है इसका मतलब कोई तो ऐसा कॉमन हो सकता है वैल्यू हो जिसको हम कट करने के बाद 4/3 लेकर आए हों। तो हमने मान लिया वो कॉमन वैल्यू k है, तो इसीलिए हमने क्या किया, k से इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है k का, हम क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट ये क्या, ये रेशियो है ना कि इसकी लेंथ है, ठीक। अब हम इसको बी सी को 4k कह दिए तो इससे क्या हो गया, k इसमें 4 में मल्टीप्लाई हो गया, 3 में मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद ये वैल्यू हो गई हमारी लेंथ हो गई, क्लियर है। तो ये हो गया इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे इसमें बच्चों, ये हमारी हो गई बी सी, बी सी हमारी क्या हो गई, बी सी हमारी हो गई 4k, ठीक, और ए बी हमारी हो गई 3k। अब हमें ए सी निकालनी है, ए सी हमें पता नहीं है बच्चों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अदर रेशोज निकालने के लिए सब कुछ सभी साइड चाहिए हमें। तो इसमें हम क्या लगाएंगे बच्चों, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, यही पाइथागोरस थ्योरम, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोट स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें ए सी पता है, ए सी नहीं पता है, तो ए सी नहीं पता है तो इसको हम एस सच रखेंगे। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हमें पता है 3k, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख दिए तो 3k स्क्वायर, और इसकी वैल्यू बी सी की है 4k स्क्वायर, ठीक है। अब ये सॉल्व करने पे क्या आ जाएगी, 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, इसको सम कर लेंगे, 9 और 16 क्या हो जाएगा 25k स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद ए सी जब हम निकालेंगे, जब स्क्वायर हटता है तो इधर दूसरे साइड में स्क्वायर रूट आ जाती है, ये हमेशा याद रखना, 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5, और के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के, यानी यहाँ इसकी वैल्यू आ गई 5k, क्लियर है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल से सभी साइड को फाइंड आउट कर लिया। अब हमारा क्या क्या बाकी रह गया ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में, अब हमारा टेन दिया है तो हमको अगर निकालना है साइन ए,
तो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा 4k, हाइपोट कितना निकला है 5k, तो k कैंसिल हो गया 4/5 हो गई। इसी तरीके से कॉस ए, कॉस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है 3k है, हाइपोटेन्यूस क्या है 5k है, ये कैंसिल हो गया 3/k हो गई वैल्यू, 3/5 हो गई वैल्यू। ठीक, इसी तरीके से हमारा क्या है कॉट निकालना हो, तो कॉट ए क्या हो जाता है, कॉट ए तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अगर टेन ए क्या है 4/3 है, तो कॉट क्या होता है इसका रेसिप्रोकल होता है 3/4 हो गया। अब इसी तरीके से हम कोसेक ए निकाल सकते हैं, कोसेक ए क्या होता है साइन ए का रेसिप्रोकल होता है, तो ये 5/4 हो गया। ठीक, सेक ए क्या होता है कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है, तो ये क्या हो जाएगा 3/5 है, तो ये 5/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्या किया, एक टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करना सीख लिया। तो हम लोग अब दूसरी टाइप का देखते हैं, एक डिफरेंट टाइप का फिर देख लेते हैं क्वेश्चन। इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव करना है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो इसके लिए हम बच्चों क्या करेंगे, दो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, एक में हमारा एंगल बी एक्यूट एंगल हो जाएगा, एक में एंगल क्यू एक्यूट एंगल हो जाएगा। और दोनों इसका प्रोसेस क्या है, वर्किंग प्रोसेस कि दोनों ट्रायंगल को हमको बेसिकली सिमिलर प्रूव करना है, जब सिमिलर प्रूव कर देंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। तो यही हमारा जो है वर्किंग रूल है। तो सबसे पहले हम दो ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, एक ट्रायंगल हम ये और एक ट्रायंगल हमने दो ट्रायंगल बना लिया, दोनों को हमको क्या करना है बेसिकली बच्चों सिमिलर प्रूव करना है। तो एक ट्रायंगल हमने ले लिया जिसका बी एंगल एक्यूट होना चाहिए, ये बी हो गया, इसका एक क्यू ये होना चाहिए, ये राइट एंगल है। तो हमने ले लिया ए बी सी और यहाँ पे एक ले लिया पी क्यू और आर, इतना क्लियर है। इसमें एंगल सी 90 डिग्री और इसमें एंगल आर ये 90 डिग्री है, ठीक है, दो ट्रायंगल हमने ले लिया। अब दोनों को हमको सिमिलर प्रूव करना है, तो दोनों ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो क्या क्या दिया है, इस ट्रायंगल में साइन बी, तो साइन बी अगर ये क्या है हमारा ये एंगल है, तो इसके जस्ट सामने ये क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे देखिए आप साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा यानी ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा ए बी हो गया। ठीक, इसी तरीके से इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में हमारा क्या हो जाएगा साइन क्यू, तो साइन क्यू इज इक्वल टू पी आर अपॉन में पी क्यू, ये हमारे दोनों हो गए और दोनों आपस में क्या है इक्वल है, तो हम दोनों को क्या करेंगे इक्वल कर देंगे, यानी ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू। ठीक है, ये हमारा एक इक्वेशन हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया और ये चीज़ हमारा दिया है, तो इसी से हमने क्या किया दोनों को ये आपस में इक्वल है, तो इसके राइट साइड भी इक्वल हमने कर दिया। इतना तो क्लियर है बच्चों। अब देखो बच्चों ए सी जो है ए सी ये हो गई और ए बी हमारी क्या है ये हो गई, ठीक, ये दोनों क्या हैं बेसिकली अगर देखा जाए तो एक ही ट्रायंगल के साइड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें हमने क्या किया चेंजेस हम कर लेते हैं, हम इसको अब क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ लेके आ जाएं, इसको यहाँ लेके आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, ये क्या हो गया ए सी अपॉन पी आर। अब देखो आप इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में रिलेशन हमको क्या करना है, दोनों को सिमिलर करना, हमने वर्किंग रूल बताया था, तो दोनों ट्रायंगल के क्या होने चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में होने चाहिए, और इसको हमने मान लिया लेट कर लिया के, हमने मान लिया इनका रेशो के इक्वल है। तो अगर के इक्वल है तो अब क्या हो जाएगा, ये भी के इक्वल हो जाएगा ए सी अपॉन पी आर, ये भी के इक्वल हो जाएगा, तो इससे हमको क्या मिल जाएगा ए सी इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा के पी आर, क्लियर है। इसी तरीके से ये भी हो जाएगा, तो इससे क्या मिल जाएगा हमको ए बी इज इक्वल टू के इंटू पी क्यू। यहां तक अगर कोई डाउट हो तो अब बताओ, ये क्लियर हो गया। अब बच्चों हमको क्या करना है, थर्ड साइड हमारी कौन सी बची, ये तो ए सी और ये बन गया, थर्ड साइड सी बी और इसका भी हमको रेशो क्या करना है इक्वल दिखाना है, ठीक। तो अब इसमें देखेंगे हम
सी बी की हम बात करते हैं, तो सी बी अगर हमको निकालना हो राइट एंगल ट्रायंगल में, तो इसमें हमारा फार्मूला क्या होता है? इस ट्रायंगल की हम बात करें तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोट स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इतना क्लियर है? तो इससे हमको क्या निकालना है? सी बी निकालना है। तो सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आ गया तो यानी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ये हमारा हो गया। ठीक, इससे हमारी वैल्यू निकल आएगी किसकी, सी बी की। इसकी भी इसी तरह आर क्यू क्या निकल आएगी, आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये हो गई हमारी बात। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, बेसिकली इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इससे हो जाएगी हमारी सी बी क्या हो जाएगी, सी बी हो जाएगा रूट में ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ठीक, इसी तरह आर क्यू भी हमारा जब निकालेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगी। ठीक, हमें क्या करना है, अब थर्ड साइड का भी रेशियो निकालना है। अब थर्ड साइड का यानी हमें क्या निकालना है, सी बी, और थर्ड साइड का भी अगर रेशियो क्या आ जाए, के की इक्वल आ जाए, तो यानी तीनों का रेशियो इक्वल हो गया। तो सी बी और किसका निकालना है, आर क्यू का। अब सी बी की वैल्यू हमने यहां से रख दी, सी बी क्या निकला था, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। क्लियर है? इसी तरीके से आर क्यू की वैल्यू क्या निकली है, रूट में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक, ये हो गई हमारी। अब देखो बच्चों, इससे आ जाएगी सी बी अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू, इसको पूरे को एक साथ में लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से हम ए बी की वैल्यू और ए सी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ए बी इज इक्वल टू क्या है, के पी क्यू, तो ए बी की जगह पे हम के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस ए सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, के पी आर, के स्क्वायर पी आर स्क्वायर। ठीक, और इसमें क्या है, इसको अंदर ही लिख सकते हैं एक साथ, क्योंकि अभी क्या है, जैसे अगर ऐसे लिखा है रूट में ए पॉन रूट में बी, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए पॉन बी, तो यही चीज़ हमने सबको एक साथ लिख लिया, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक, ये पूरे स्क्वायर रूट में आ गया। अब इसको हम सॉल्व करें तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, के स्क्वायर कॉमन हो गया, तो अंदर क्या बचा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक, और इसमें क्या बचा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक, अब ये दोनों क्या है बच्चों, एक ही है, तो ये कैंसिल हो गया। अब के स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, के आ जाएगा, यानी इसका भी रेशियो क्या हो गया, के इक्वल आ रहा है, यानी हम ये कह सकते हैं इससे हम कि ए सी अपॉन पी आर का रेशियो, ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो, और जो ये हमने निकाला है सी बी अपॉन आर क्यू का रेशियो, ये सबका रेशियो के इक्वल आ रहा है। यानी किसी भी ट्रायंगल में अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है तो हम कहेंगे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो हम कहेंगे देयरफोर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, रीजन क्या देंगे, बाय साइड 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 सिमिलरिटी। ठीक, अब दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देयरफोर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, हेंस प्रूफ्ड। इस तरीके से हमारा ये प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा ये प्रूफ हो गया, आप लोग नोट कर लीजिए इसको, यस स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इन ट्रायंगल ए सी बी राइट एंगल एट सी इन विच ए बी इज इक्वल टू 29 यूनिट्स, बी सी 21 एंड ए बी सी थीटा दे रखा है, तो इसमें निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। हमने राइट एंगल ट्रायंगल एक ड्रॉ कर लिया, जिसमें क्या बोल रहा है, राइट एंगल किस पे है, एट सी, सी पे राइट एंगल बना लिया हमने, और ए बी सी क्या है, ए बी सी में
बी हमारा थीटा है, तो दिस ए बी सी दिस इज थीटा। हमें क्या निकालना है बच्चों, इसमें और क्या दिया है, ए बी दे रखा है, ए बी है 29 यूनिट्स, ठीक, ए बी 29 यूनिट्स दे रखा है, बी सी हमारा है 21 यूनिट्स। हमें क्या निकालना है, एक तो ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है, हमें ए सी निकालना है, ठीक है। ए सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसमें, क्योंकि हमारा साइन थीटा कॉस थीटा, इसमें ए सी की भी नीड होगी, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम में हो जाएगा कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। ए बी हमारा दे रखा है 29 यूनिट, ठीक है, बी सी हमारा दे रखा है 21 यूनिट्स, और ए सी हमें फाइंड आउट करना है, ए सी हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर यानी 29 स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर 21 स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इससे हम क्या निकालेंगे पहले, तो ए सी स्क्वायर अगर निकालेंगे तो ये इधर जाएगा, तो 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें हम क्या लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 29 माइनस 21, और दूसरी क्या हो जाएगी 29 प्लस 21, ठीक है। इस तरीके से इसको क्या करेंगे, ये माइनस करने पे 8 आ गई, और इसको ऐड करने पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 50, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट के अंदर 400 यानी 20 यूनिट्स आ गई, ठीक है, 20 यूनिट्स आ गई। अब हम यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा इसमें इसकी वैल्यू रख देंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेसिकली बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारा क्या है 21, तो 21 स्क्वायर अपॉन 21 अपॉन, इस तरीके से हमने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा में वैल्यू रख दी, 21 स्क्वायर अपॉन 29 स्क्वायर, 20 स्क्वायर अपॉन 29 स्क्वायर। अब हमने क्या किया, 29 दोनों का बेस था यानी डिनोमिनेटर था, तो हमने इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया। उसके बाद इन दोनों को हमने सॉल्व किया, तो 21 स्क्वायर मीन्स 441 प्लस 400, 20 स्क्वायर मीन्स 400 अपॉन में स्क्वायर क्या हो जाएगा 841, और यहाँ भी क्या हो जाएगी 841 अपॉन 841, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट होके 1 आ गए इसकी वैल्यू, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ये हमारा फार्मूला भी है, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू हम निकाले थे, क्या थी हमारी, कॉस थीटा यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 21 स्क्वायर अपॉन 29 स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या थी हमारे पे बच्चों, साइन की थी हमारी वैल्यू थी 20 स्क्वायर अपॉन 29 स्क्वायर, ठीक है। दोनों का एलसीएम क्या हो गया, 29 स्क्वायर हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, 21 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, क्लियर है। इसमें हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 21 माइनस 20, और दूसरे में क्या हो जाएगा 21 प्लस 20, और ये हो जाएगी 29 स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई क्या, 21 माइनस 20 की वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 21 प्लस 20 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 41 अपॉन में 29 स्क्वायर, हमने क्या देखा था यहाँ पे 841, वैल्यू आ गई 41 अपॉन 841, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये इसका आंसर आ गया, तो उसी का ये पार्ट है बच्चों। बेसिकली मेरा जो स्ट्रेटजी है, हम लोग एनसीईआरटी और प्लस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ये जो सीरीज चल रही है, पहले हम लोग एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद लास्ट प्रीवियस ईयर में मीन्स 10 ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको भी करेंगे। तो साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से एक एक चैप्टर को फिनिश करेंगे।
ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना, ठीक है, हम लोग करते हैं। अब टाइप फोर क्या दे रखा है, इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल डेट बी इफ टेन ए इज इक्वल टू वन है तो देन वेरीफाई क्या करना है, टू साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू वन, यानी वेरीफाई यानी प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल किस पे, बी पे, और हम ए एंगल की बात कर रहे हैं तो ए को यहाँ बना लिया। हम यहाँ बना सकते थे, अगर यहाँ बनाते तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाता, हमने यहाँ ए बनाया तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ठीक। अब हमारा दिया क्या है, इसमें गिवन क्या है कि टेन ए इसकी वैल्यू वन के इक्वल है। तो बच्चों टेन ए क्या होता है, टेन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, बी सी, तो टेन ए के प्लेस पे हमने क्या रख दिया, बी सी अपॉन ए बी। इतना तो क्लियर है आप लोगों को, और इसको हमने वन के इक्वल कर दिया। अब बच्चों वन को हम वन अपॉन वन भी लिख सकते हैं, और हमने क्या किया इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अब बच्चों क्या आएगा, ये इससे आ जाएगा कि बी सी की वैल्यू ए बी के इक्वल हो गई, यानी ये बी सी जो है ये ए बी के इक्वल हो गया, ठीक है। और इसको हमने लेट कर लिया के, के क्या है हमारा, के कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है, तो हम क्या करेंगे एक्स ले सकते हैं या के ले लिया हमने कोई कॉन्स्टेंट, ये क्या होगा लेकिन पॉजिटिव होगा, क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव में मेज़र करेंगे, नेगेटिव तो करेंगे नहीं। ये हो गई हमारी ए बी और बी सी, ये हो गया। हमको अब ए सी फाइंड आउट करना है, तो ए सी के लिए हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास एक ही फार्मूला जो एप्लीकेबल होता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहता है, हाइपोट स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोट हमारा क्या है, ए सी है, तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये क्लियर है बच्चों। अब फिर हमने क्या किया, ए सी हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है, ए बी की वैल्यू और बी सी की वैल्यू हमने क्या लेट कर रहा है, कर रखा है के, तो इसको के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। तो के स्क्वायर और के स्क्वायर, अब देखो बच्चों जब कोई भी वैल्यू ऐसे लिखी होती है इसके आगे कुछ नहीं होता, तो हम वन इसमें हाइड होता है, तो वन के स्क्वायर प्लस वन के स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा, टू के स्क्वायर, ठीक है। और जब भी यहाँ पे स्क्वायर हटता है तो इधर स्क्वायर रूट आ जाता है, तो अगर हम ए सी इधर निकालेंगे देयर फोर ए सी, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, टू के स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो के स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो के हमारा बाहर आ गया और रूट टू ऐसे आ गया, लेकिन इसको हम जनरली इस तरीके से लिखते हैं, रूट टू के। तो रूट टू के किसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू, एच की वैल्यू आ गई, यानी हाइपोटेन्यूज की रूट टू के आ गई, क्लियर है। अब हमें क्या करना है बच्चों, टू साइन ए, तो पहले हम साइन ए निकाल लें, तो साइन ए क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर क्या था हमारा, इसको हमने के लेट किया था और इसको भी के लेट किया था, तो परपेंडिकुलर हमारा था के, और एच की वैल्यू कितनी आई है, रूट टू के, तो ये कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, वन अपॉन रूट टू। और कॉस ए की बात करते हैं, तो कॉस ए क्या हो जाता है, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस भी हमारा क्या है, के ही है, हाइपोटेन्यूज सेम ही वही है, रूट टू के से कैंसिल, ये भी आ गई वन अपॉन रूट टू। अब यहाँ पे हम एल एच एस ले लेते हैं, तो एल एच एस हम लेंगे, तो एल एच एस क्या है, टू साइन ए कॉस ए। अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो टू इंटू साइन ए की वैल्यू क्या है, वन अपॉन रूट टू, क्लियर है, और ये भी क्या हो जाएगी, वन अपॉन रूट टू, ठीक है। तो वन अपॉन रूट टू, वन अपॉन रूट टू, ये टू ऊपर हो गया, और रूट टू और रूट टू देखो दो बार अगर रूट टू और इंटू रूट टू हम करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, रूट टू का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाती है, यहाँ पे टू आ जाएगा, तो यहाँ भी नीचे आ गई टू, और टू से टू कैंसिल आउट हो गई, और यही हमारी आ गई वैल्यू आर एच एस, तो हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से जो है हमारा ये प्रूव हो गया। बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है, नोट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग टाइप फाइव देख लेते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या दे रखा है, ये कई साल आ भी रखा है एग्ज़ाम में, बोर्ड
प्रॉस्पेक्टिव से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली हम लोग का जो बेसिकली जो टारगेट है एनसीईआरटी पहले हम लोग फिनिश करेंगे, और साथ ही साथ जब एनसीईआरटी के एक्सरसाइज फिनिश होंगे तो उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कर लेंगे, ताकि हम लोग का पूरा फुल चैप्टर कंप्लीट हो जाए विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं फिर से। इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल्ड एट P, OPQ ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल किस पे है, पी पे है। तो हम एक क्या करते हैं, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, और राइट एंगल किस पे है, सबसे पहले पी पे, तो हमने इसको पी दे दिया। ठीक, निकालना क्या हमको, साइन क्यू, तो क्यू हमने इसको दे दिया। ट्रायंगल क्या है, OPQ, इसको ओ बोल दिया। ठीक, तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, और ये हमारा हो गया बेस, और ये हमारा हो गया हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हम एंगल क्यू की बात कर रहे हैं। OP दे रखा है, OP इसकी लेंथ दे रखा है कितना, 7 सेंटीमीटर, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। और OQ माइनस, तो OP हमारा हो गया 7 सेंटीमीटर। ये हम पहले क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। जब हम गिवन लिख लेते हैं ना बच्चों, तब हमारा जो है माइंड जो है खुलता है कि हमको क्या फार्मूला यूज करना है। ठीक, अभी हो गया, और क्या दिया हुआ है, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1। तो बच्चों इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 है, तो अगर हम OQ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस PQ। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 ले लिया हमने, सपोज कर लिया, तो ये हो गया। अब हमें निकालना क्या है, साइन क्यू और कॉस क्यू। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके पहले हम इसमें देखते हैं रिलेशन। ठीक, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, OQ स्क्वायर हाइपोट स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर मीन्स OP स्क्वायर प्लस बेस क्या है हमारा, PQ स्क्वायर। क्लियर है, अब यहाँ पे इम्प्लाइज, बच्चों यहाँ इम्प्लाइज मतलब अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो अगला जो हम लिखेंगे वो भी स्टेटमेंट ट्रू होगा। ये जनरली हम क्या होता है, इक्वेशन में लेके चलते हैं, तो इम्प्लाइज भी लिख सकते हैं और इसके प्लेस पे हम लोग और भी लिखते हैं। तो ये कन्फ्यूज मत होना कि और लिखें या इम्प्लाइज लिखें, दोनों हम भी कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे OQ की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, OQ की जगह पे 1 प्लस PQ रख सकते हैं होल स्क्वायर। OQ के प्लेस पे हमने क्या किया, OQ की प्लेस पे यहाँ से OQ की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी। OP हमारा 7 है, 7 हमने रख दिया, प्लस PQ को एस सच रखा हमने। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, हम इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे अगर क्या होता, माइनस हो जाता तो यहाँ पे माइनस आ जाता, तो यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर मीन्स 1 होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 1 का मतलब कुछ नहीं होता तो 2pq कर लेंगे हम। ठीक, इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस pq स्क्वायर। अब देखो बच्चों, इधर pq स्क्वायर है, इधर भी दोनों सेम साइन में, तो इधर अगर जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और इस 1 को हम इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2pq का मतलब 2 इंटू pq इज इक्वल टू 49, और माइनस 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1, तो ये क्या बन गया, 48। तो देयरफॉर pq इज इक्वल टू, तो ये हो गया हमारा 48, और ये अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 4 जा, तो ये वैल्यू आ गई हमारी, किसकी आ गई, pq की वैल्यू। तो pq हमारी आ गई कितनी, 24 सेंटीमीटर। तो pq हमारी 24 आ गई, तो इक्वेशन 1 में हम pq की वैल्यू रख देते हैं, पुटिंग वैल्यू इन, पुटिंग pq इज इक्वल टू 24 इन इक्वेशन 1, 1 में हम रख देते हैं। तो OQ इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 1 प्लस pq है। ठीक है, तो 1 प्लस pq की वैल्यू 24, तो ये कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर, तो ये हमारी आ गई 25 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो इस तरीके से आ गई। अब हमें निकालना क्या है, हमें साइन क्यू निकालना है। तो साइन क्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, 7 है, और हाइपोटेन्यूज कितना निकाला हमने, 25।
ये आ गई हमारी वैल्यू साइन क्यू की। हमको और क्या निकालना है, कॉस क्यू निकालना है। कॉस क्यू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या हमारा 24, हाइपोटेन्यूस क्या है 25, तो ये कॉस क्यू की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से क्या है बच्चों, हमारी ये वैल्यू आ गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए ताकि मैं फिर नए नए वीडियो लेके आता रहूँ। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें।